फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्जी जो शादी और पार्टी वगैरह में बनाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, गोभी बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने इसके लिए ली है 1 किलो गोभी। उसको अच्छे से साफ कर लिया है और फ्लावर में काट लिया है। इसको बड़े बड़े फ्लावर रखे हैं इसके हमने, और इसको खोलते हुए गर्म पानी में नमक डाल के 1 चम्मच विनेगर के साथ आधे घंटे के लिए डिप करके रखा था। और फिर इसको हमने छन्नी से छान के इसको थोड़ी देर हवा में रखा ऐसे खुला, और उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारी गोभी है। क्योंकि विनेगर और नमक डालने से जितने भी गोभी के अंदर कीड़े होते हैं वो सब निकल के बाहर आ जाते हैं, तो उसमें कुछ भी गंदगी नहीं रहती है। इस तरह से हमें पूरी साफ गोभी मिल जाती है। गोभी के साथ हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उनको भी कट करके रख लिया है। इनको भी हम गोभी के साथ फ्राई कर लेंगे। हमने कढ़ाई में 3-4 चम्मच ऑयल लिया है फ्राई करने के लिए। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई अपनी गोभी डाल लेते हैं और उनको हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अब हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है, अभी इसको निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम अब आलू भी फ्राई कर लेंगे। अब अपने आलू भी इसमें फ्राई कर लेते हैं, इनको भी हल्का हल्का। कढ़ाई में हमने 2-3 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे अपना। जीरे के बाद हम इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का पीस, 3 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 3-4 लौंग। ये हो गए हमारे खड़े मसाले। अब हमने 3 लहसुन की कलियां ली थी, इनको बारीक बारीक चॉप करके लिया है। ये डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज लिए, इसको बारीक बारीक काटा है, इसको भी डाल देंगे। इसको भी लहसुन के साथ भून देंगे। हमारी प्याज भून चुकी है। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डाल रहे हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल रहे हैं इसमें सब्जी मसाला और चुटकी भर हींग। इनको भून लेंगे। मसाले थोड़े सूखे से हो गए हैं तो इसलिए हम थोड़ा पानी यूज करेंगे और इन मसालों को भून लेंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देते। और अभी इस टाइम डाल लेते हैं हम इसमें 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं।
मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम एक बड़े टमाटर की प्यूरी डाल रहे हैं मिक्सी करके। और 1 इंच हमने अदरक को बारीक बारीक करके काटा है, उसको डाल देंगे इस टाइम। अदरक का स्वाद बहुत अच्छा लगता है जब मुंह में आता है ये अदरक। और हमने 2 हरी मिर्च डाली है बारीक बारीक काट के, इन सबको पका लेंगे टमाटर के साथ। पाँच 10 मिनट के लिए पकाएंगे इनको, जब तक टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते और ग्रेवी तेल नहीं छोड़ देती। इसमें कुछ हमने धनिया की डंठल लिए थे उनको डाल देते हैं, उनका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। ग्रेवी को पकते पकते 5-10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून अपना अमचूर डाल लेते हैं जो हमारी गोभी में खट्टापन देगी। अब फ्राई की गोभी मिला लेते हैं इसमें। हम मसालों के साथ अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है इसमें। और ये अदरक हमने लंबे लंबे जूलियंस करे हैं उनको भी डाल देंगे अब। और सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी लग रही गोभी हमारी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पकने देंगे 10 मिनट तक के लिए। जो आलू थोड़े से गले नहीं है, पानी डालने के बाद अच्छे से और भाप में अच्छे से पक जाएंगे। इसको ढक के पकाते हैं 10 मिनट के लिए। अब एक बार सब्जी को चला के देख लेते हैं हमारी सब्जी कैसी पकी है। आलू चेक कर लेंगे। अभी 5 मिनट और पकाएंगे हम इसको। अभी हमारा आलू नहीं गला है। फ्रेंड्स अब आप गोभी देख लेते हैं एक बार फिर। चला लेते हैं इसको। हमारी गोभी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे अपना 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे। और मिक्स करके इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे जिससे हमारा गरम मसाला सब्जी में पूरी तरह से मिक्स हो जाए।
फ्रेंड्स हमारी गोभी बनके तैयार हो चुकी है और इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी आलू गोभी की सब्जी तैयार हो चुकी है रेस्टोरेंट स्टाइल या पार्टी स्टाइल कह सकते हैं, जो पार्टी में बनती है उस स्टाइल की मसालेदार चटपटी सब्जी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक्स।